अच्छा ये क्या है पता है? ये मतलब बैल है। ये लड़के सारे आ गए यहाँ पर इसको देखने के लिए। अब इसको बंद कर देते वरना इसको नजर लग जाएगी। इतना प्यारा सा चमन बनाया हुआ है, यहाँ पर नहाते हैं, बड़ा ही मजा आता है। इतना छोटा सा दलदली। तो हमने ये गाय लेकर आए और हमारी जो दूसरी गाय है वो वहाँ पर खड़ी हुई है। ये हमारी प्लाट है ना, इसकी पूरी ये दीवार तोड़ दी है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कामरान विलेज व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मस्ते मुस्कुराते हुए रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग में बताया था कि हमारी जो गायें वो दूध नहीं दे रही और वो मतलब बच्चा भी नहीं दे रही, बूढ़ी हो चुकी है, तो हमने एक और नई गायें लेनी है। तो यार कल ही ना, मतलब कुछ दिन पहले हमने एक बंदे को पैसे दे दिए थे, उनको कहा था कि ये गायें हमने मतलब उनके घर जाके गाय शेप पसंद करके हम आ गए थे और उनको कहा था कि ये हमारे घर पर डिलीवर कर देना है। तो कल ही ना यार उन बंदों ने हमारे घर में वो गायें लेकर आया और उसके साथ ना एक बच्चा भी था यार, मतलब एक के साथ एक फ्री। तो इतना प्यारा बच्चा है ना, ब्लैक कलर है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। अभी मैं आपको वो गाय का बच्चा भी दिखाऊँगा और गायें भी दिखाऊँगा, बहुत ही प्यारा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह कमेंट में एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर से बोलना। तो अभी हम जाते हैं अपनी गाय के पास, लेकिन उससे पहले ना मेरा एक कज़न है ना, ये कल ही आया है स्कर्दो से। तो मतलब बाइक कज़न का जो उनसे पंचर हो गया था रास्ते में, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो रास्ते में क्या हुआ था इमरान? रास्ते में बाइक ख़राब हुआ यार, चेन सारा टूट गया, चेन कवर भी। अच्छा। और उसका बाइक मिसिंग भी करता रहा, फिर पानी भी बहुत ज़्यादा था, तो उस पानी को इस तरह पार करके आए हैं बस। वो जो हल्दी वाला? हाँ हल्दी वाला जो पानी। बाइक किधर है अभी? अभी बाइक बाहर खड़ी है। अच्छा चलो, बाइक अभी उधर उस जगह पे। तो अभी जाके बाइक लेकर आते हैं सबसे पहले, फिर जाके गाय के पास चलते हैं, ठीक है। ये लड़के यहाँ पर रोड में ही हॉकी खेल रहे हैं, और ये किस चीज के साथ खेल रहे हैं? एक मिनट, ये किस चीज के साथ खेल रहे हैं? ये देखें भाई, ये लकड़ी का बॉल बनाया हुआ, इसके साथ हॉकी खेल रहे हैं। वाह यार, ये अगर सर में लग गया ना आप लोगों का सर भी फट सकता है। मुबारक। ठीक है। नहीं ये चेंज करके, वो रबड़ वाला बॉल कल उससे खेल रहे थे, वो किधर है? वो गुम हो गया। अच्छा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक नया बॉल लेकर आऊंगा, ठीक है? ठीक है, उससे खेलना। ये अभी आप लोग बस गुजारा करके खेलो इससे, ठीक है। ये रही यार इमरान की बाइक। यार ये तो पहले रेड रेड किया हुआ था, इसको ब्लैक कर दिया अभी। अभी इसको ब्लैक किया, अभी इसका लुक अच्छा चेंज कर दिया हमने। ये जोन सा बाइक है ना, ये मैं खपलू लेके गया था, वो खपलू वाले ब्लॉग आपने देखा होगा, तो ये वो बाइक था, ये मैं लेके गया था। तो कल कहाँ से क्या खराब हुआ था इसका? कल इसका ये देखना, ये नीचे निकल गया ये वाला। अच्छा चेन? हाँ ना, ये इसका चेन कवर ना। अच्छा अच्छा, ये तो शॉप पे रख के आए, ठीक। आज 3 बजे के बाद जाएंगे बनाने, और बाइक मिसिंग भी बहुत कर। तो वो छीन वाले उधर दुकान में जाना है? छीन वाले दुकान, ठीक है जी। कल बहुत ज्यादा मतलब इमरान को ना, मतलब स्कर्दो से यार यहाँ तक हमारे गाँव तक ना 3 घंटा लगता है। 3 घंटे का जो सफर था इमरान को, मतलब 5 से 6 घंटे हो गए, 6 घंटे बाद यहाँ पर पहुँचे। मतलब रास्ते में बाइक ख़राब हो गया, फिर पता नहीं वो बनाने के लिए दोबारा से ख़राब हो गया, बड़ी मुश्किलों से फिर जाके इमरान यहाँ पर पहुँचे। इसको जो से हम अपने घर के पास लेके जाते हैं, वहाँ पर खड़ी करके रखेंगे। इमरान बाइक यहीं पर रखो, और ये भी बाइक यहीं पर, यह बेचारी पत्नी पंचर हुई है, इसको अभी तक हमने पंचर भी नहीं लगाया। ये हमारी जो गाय थी ना, ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, ये बेचारी जो ये बूढ़ी हो चुकी है, मतलब ये बच्चा भी नहीं दे रही, और बेचारी जाहिर सी बात है बूढ़ी हो गई तो किधर बच्चा देगी, दूध भी नहीं दे रही। तो हमने ना अभी इसके जगह एक और गाय लेकर आए, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हमने ये गाय लेकर आए और हमारी जो दूसरी गाय है वो वहाँ पर खड़ी हुई है, तो मतलब इसको दूध सही निकलता है, ठीक है। तो है तो ये छोटी है, थोड़ी कमज़ोर भी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सही अच्छे से खुराक करेंगे तो इंशाल्लाह ये थोड़ा सेहतमंद भी हो जाएगा। और इसका जो बच्चा है ना, वो हमने इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि इस बच्चे को साथ रखेंगे ना तो इसका दूध पी लेगी, तो इस वजह से हमने बच्चे को साइड पे रखा हुआ है बंद करके। तो उसको मैं अभी बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह, तो ये ना मतलब गाय के साथ ही ये थी, तो अभी देखो उसको ना, उसकी अपनी अम्मी की आवाज़ आई है तो उसके पास जा रही है, लेकिन हम उसको उधर नहीं छोड़ते वरना ये दूध पी लेगी। तो इसको कब से हमने बंद करके रखा हुआ था, इसको अभी बाहर निकाले। और ये जो ये क्या है पता है? ये मतलब बैल है, बैल, वो सिंगो वाला बैल जो बड़ा है ना हमारे पास, एक बड़ा जो बैल हुआ करता था ना, उस तरह वाला है। तो इसको हम अभी उधर नहीं छोड़ रहे वरना ये मम्मी के पास जाके दूध पी लेगी। देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह। और आप लोग मुझे इसका नाम ना एक कमेंट करें, इसका नाम क्या रखना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी से बताएगा। तो जितने ज़्यादा नाम कमेंट में होंगे ना, तो वो नाम मैं रखूँगा इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। तो मेरी YouTube फैमिली, अभी जो मैंने आपको अपनी गाय और उसका बच्चा दिखाया ना, ये तो हमारा अपना था, लेकिन कुछ दिन पहले ना हमारे जो मामू है ना, उन लोगों के जो गाय है ना, उसने भी बच्चा दिया हुआ है। तो अभी मैं वहाँ पर जाके वो भी दिखाता हूँ, वो भी बड़ा ही प्यारा है। गाय का बच्चा किधर है? वो आपका या बारे का? जो गाय का जो बच्चा था किधर है? वो बंद किया हुआ है। चलो अभी बाहर निकालते हैं उसको, आ जाओ।
ये गाय है और इसने कुछ दिन पहले ही बच्चा दिया था, तो उसको भी बंद करके रखा हुआ है। उसको भी बाहर निकालते हैं और उसको भी आपको दिखाते हैं। वो भी बड़ा ही प्यारा है, बेचारे को भूख लग रही है शायद इसको। ये बकरी हम कुछ दिन पहले एक घर से लेकर आए थे, हमारे जो पड़ोसी थे, तब तो हमारे ये जो मामू लोगों का जो गाय है ना, उसने बच्चा नहीं दिया था, तो ये दूध के लिए बकरी लेकर आए थे। लेकिन अभी तो बच्चा दे दिया, तो इसको कुछ दिनों तक हम वापस कर देंगे। इसको अभी बाहर निकाला है, माशाल्लाह कितना प्यारा है। कमेंट में इसका नाम मुझे लाजमी से बताया गया, इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो देखिए ये अभी दोबारा से अंदर जा रहा है, इसको बड़ी मुश्किलों से हम बाहर ले कर आए हैं। ये देखिए जी, और इसकी माँ को देखे, ये बड़ी इसको गुस्सा आ रहा है सही। अभी इसकी सिंगे भी निकल, सिंगे नहीं निकले अभी इसकी। ये लड़के सारे आ गए यहाँ पर इसको देखने के लिए। अब इसको बंद कर देते वरना इसको नज़र लग जाएगी। इसको बंद कर देते जल्दी से। जाओ 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 अपने अपने कमरे में जाओ, शाबाश जाओ जाओ। इसको बंद कर देते हैं इसके अंदर यार, वरना सारे इसको देख देख के नज़र ही लगा देंगे। अभी जो उनसे गाय को और उसके बच्चे को ना हम बंद करके आ गए हैं, और मैं ना अभी यहाँ से अपने फूमी जगह पर जा रहा हूँ। और मुझे यार एक भाई ने बताया कि हमारा जो प्लाट है ना, उसकी दीवार यार गिर गई है, किसी ने गिरा दी है वो। तो अभी मैं वो देखने जा रहा हूँ वो कितना हद तक गिरा है, ताकि उसको जल्द से जल्द इसको सही कर सकें। अल्लाह इस बकरी को बच्चे को देखें यार, बेचारे किसने इसको पानी में डाला है, क्यों पानी में डाला इसको, बेचारे को देखें यार किसने पानी में फेंक दिया इसको। यार अभी इसको जल्दी घर लेके जाओ और इसको धूप में रखना है, अभी इसको जल्दी घर लेके जाओ, उसको धूप में रखना है, ठीक है। बेचारे को ठंड लग रही है, जल्दी लेके जाओ अभी। यार ये बकरी का जो बच्चा है बेचारा, इसने बच्चे ने पानी में फेंक दिया उसको, बेचारे को इतनी ठंड लग रही है। मैंने बोला उसको जल्दी से धूप में लेके जाकर धूप में रखो, वरना बीमार हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या लीजिए, ठीक है, अल्लाह का शुक्र आप सुने। अभी आ रहे हैं जो काम से, अभी छुट्टी हुई है, इधर थोड़ा साइड पे है ना, इधर ट्रैक्टर आ रहा है। अच्छा तो अभी छुट्टी हुई आपको, 3 बजे छुट्टी होती है, सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 7 से। अच्छा तो मुझे खबर आई थी कि आपने किसी बच्चे को बोला था कि मेरे पास कामरान को भेजो वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे खुद टाइम भी नहीं हुआ था आपके पास आने के लिए, मैं उसके लिए आपसे माजरत करता हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे टाइम होगा आपके पास यहाँ पर आऊँगा और आपकी वीडियो निकालूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, इतने दिनों से आपके पास आया नहीं था। तो अभी वैसे भी आपको छुट्टी होगी, अभी आप जाएं घर जाके आराम करें, ठीक है जो, तो बाद में इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर, ठीक है जो, अल्लाह हाफिज़। ठीक है यार, ये हमारे प्लांट के दरवाजे किसी ने खोला हुआ है, पता नहीं कौन गया अंदर, अंदर तो कोई भी नहीं है यार। ये पता नहीं लोग, ये जब से रोड बन रहा है ना, हमारे प्लांट की ऐसी की तैसी कर ली इन लोगों ने, कोई भी एरा वेरा आके बस प्लाट में घुस जाता है, लकड़ियाँ तोड़ता है। ये अभी ताला भी सही से नहीं लग रहा। अरे इस दीवार का मैं आपको बता रहा था, ये हमारी प्लाट है ना, इसकी पूरी ये दीवार तोड़ दी है। ये जब ये रोड बन रहा है ना, तो शायद रोड वाले जो काम करते हैं उन लोगों ने गिरा दिया, और उन लोगों ने अपना यहाँ पर सामान भी रखा हुआ। ये देखें इसमें बेलचे शेलचे डाल के रखे हुए इसमें, तो यार उनको बताना पड़ेगा, ये काम तो गलत है ना, किसी के प्लाट में इस तरह यार दीवार भी तोड़ के सामान उधर रख देते हैं। मैं छोटा सा दलदली जिस चमन का मैं आपको अक्सर वीडियोस में दिखाता था, तो ये चमन देखे पानी यहाँ से लेकर आ गए, और यहाँ पर ना ये देखे भाई नहाने की जगह बनाई हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर वो जो 2 लड़के 3 लड़के देख रहे हैं वो यहाँ पर नहा रहे थे, फिर वो धूप में बैठने गए हैं। तो यहाँ पर ये देखे इतना प्यारा सा चमन बनाया हुआ है, यहाँ पर नहाते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है। तो मेरी YouTube फैमिली आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि यहाँ पर मैं नहाने आऊँ कि नहीं, किसी दिन मैं यहाँ पर नहाने आता हूँ, बड़ा ही मज़ा आएगा। ये चमन भी बना लिया मैंने आज, देखा ये इधर से पानी लेकर आया, वरना ये बंद किया हुआ था, ये सारी दीवार टूटी हुई थी। ये हम नए शॉप में आ चुके हैं, और इमरान ने बोला था उसने थोड़ी कटिंग भी करनी है, तो वो कटिंग कर रहा है। आज का मैं अपना व्लॉग भी यहाँ पर खत्म करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।